नमस्कार दोस्तों, यशोदा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास ट्वेल्थ का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। 3 sin inverse x = sin inverse 3x - 4x³। इसमें कंडीशन पीछे दिया हुआ है, एक्स इप्सिलॉन नॉट -1/2 और 1/2, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पे नोट कर लेते हैं। 3 sin inverse x = sin inverse 3x - 4x³, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू -1/2 और 1/2, ठीक है ना दोस्तों। इसमें फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों, sin 3θ, चूँकि sin 3θ = होता है 3 sin θ - 4 sin³θ, ठीक है दोस्तों। इस पर हम लोग बैठा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इस तरफ LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ है RHS राइट हैंड साइड। LHS से सिद्ध कर सकते हैं, चाहे फिर RHS से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग दोस्तों RHS से सिद्ध करके आप लोग को दिखाते हैं। तो RHS राइट हैंड साइड, तो RHS = क्या होता है, RHS में है sin 3x - 4x³, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों x बराबर यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, x बराबर हम लोग रख लेते हैं sin में वैल्यू, इसलिए x बराबर sin θ मान लेंगे, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब बराबर की ही पट्टी आ जाएगा तो दोस्तों इनवर्स में आ जाता है, इसलिए θ = sin inverse x, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, x बराबर क्या है sin θ, तो sin 3x के जगह पर sin θ रख देंगे तो sin 3θ, साइन इनवर्स है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में sin inverse 3x है, देखिए sin inverse 3x, तो sin inverse 3x, एक्स के ऊपर sin θ रख दिए तो 3 sin θ - 4 sin³θ, ठीक है ना दोस्तों। एक्स के ऊपर sin θ रख दें, क्यूब है इसलिए 4 sin³θ होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे sin inverse, यहाँ पे कॉस्ट में बंद कर देंगे इसको, sin inverse, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे जस के तहत sin inverse, उसके 3 sin θ - 4 sin³θ वाला क्या होता है, 3 sin θ - 4 sin³θ = क्या होता है, sin³θ। तो यहाँ पे इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, sin³θ रख सकते हैं ना दोस्तों। sin inverse, इसके फार्मूला पिछले वीडियो में बताए थे, sin inverse sin x = क्या होता है, x के जगह पर क्या है 3θ है, इसलिए हम लोग 3θ लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों कि 3 है, थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा के जगह पर sin inverse x लिख सकते हैं, तो 3 sin inverse x, ये
LHS आ गया ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए LHS 3 sin/6 है, RHS से चलें तो LHS आ गया 3 sin/x, ये क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया दोस्तों। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा 3 cos/x इक्वल टू cos/4x³-3x, ठीक है ना दोस्तों। cos/x और cos/4x³-3x, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों, cos 3 थीटा इक्वल टू cos³θ-3cos θ, ठीक है ना दोस्तों। cos³θ = 4cos³θ-3cos θ, यहाँ पे आप लोग को LHS है RHS है, ठीक है ना दोस्तों। उसी तरह हम लोग RHS से चलेंगे LHS सिद्ध करेंगे, तो RHS से चलते हैं दोस्तों। cos³θ-3x, एक से बड़ा हम लोग cos पुट करके देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरफ cos है तो ये बराबर कहीं पट जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, हम बताए थे ना दोस्तों। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos³θ। यहाँ पे x का पुट वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। cos³θ के जगह पर cos θ है, तो 4cos³ है, इसलिए q θ, 4cos³θ-3cos θ, ठीक है ना दोस्तों। अब cos³ 4cos³θ-3cos θ, तो यहाँ पे आप लोग बताए थे दोस्तों, देखिए कि cos³θ इक्वल टू क्या होता है, 4cos³θ-3cos θ, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos³θ लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो cos³cos(x) इक्वल टू क्या होता है, x होता है, x जगह पर क्या है 3θ है, तो 3θ लिख देंगे यहाँ पे 3θ, थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो थीटा का वैल्यू cos³x है, इसीलिए हम लोग 3cos³x लिख देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा LHS प्रूव्ड, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या रहा, tan²/2/11 + tan²/7/24 = tan²1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, tan²2/11 + tan²7/24 इक्वल टू क्या है, tan²1/2 है ना दोस्तों, 1/2 लिख देंगे। इसके लिए भी फार्मूला होता है, ठीक है ना दोस्तों। फार्मूला होता है tan², चूँकि tan²x + tan²y इक्वल टू होता है फार्मूला tan²x + y / 1 - xy, इस पर पुट कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। हमको वैल्यू निकल के आ जाएगा, सीध हमको हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सीध करने के लिए बोला, देखिए यहाँ पे सीध करने के लिए 1 से 4 तक जिसमें सभी को सीध करना,
तीसरा नंबर को भी क्या करना है, सिद्ध करना। तो ले जैसे हम लोग चलते हैं, एल एच एस में क्या है दोस्तों, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई। तो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई मेरा क्या बताएं, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई। तो टैन इनवर्स एक्स के जगह पर दो बटे ग्यारह, तो दो बटे ग्यारह प्लस सात बटे चौबीस वाई की जगह बटे में वन माइनस एक्स वाई। तो दो बटे ग्यारह इंटू सात बटे में चौबीस। एल एच एस से चलाएँ दोस्तों, ठीक है ना। वहाँ पे टैन इनवर्स क्या आ जाएगा दोस्तों, ग्यारह चौबीस एल सी एम लेंगे, ठीक है ना दोस्तों, ग्यारह चौबीस एल सी एम लेंगे, ग्यारह गुना चौबीस, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, ग्यारह से ग्यारह कैंसिल हो जाता है, चौबीस दूनी अड़तालीस प्लस चौबीस से चौबीस कैंसिल हो जाता है, ग्यारह सात सतहत्तर अपन, ठीक है दोस्तों। फिर ग्यारह गुना चौबीस नीचे एल सी एम लेंगे, स्पेस नीचे जगह नहीं मिला दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। ग्यारह गुना चौबीस एल सी एम लिए नीचे वाला का, तो ग्यारह गुना चौबीस नीचे कुछ नहीं, इसका तो वन है ना, तो ग्यारह गुना चौबीस माइनस ग्यारह गुना चौबीस ग्यारह चौबीस, तो चौदह नहीं सात दूनी चौदह हो जाएगा। तो ग्यारह गुना चौबीस ग्यारह गुना चौबीस कट गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ वाला लिख देते हैं, यहाँ पे टैन इनवर्स अड़तालीस प्लस सतहत्तर कितना, आठ सात पंद्रह और सात चार ग्यारह एक बारह यानी एक सौ पच्चीस। अपन ग्यारह गुना चौबीस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, ग्यारह गुना चौबीस करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, चार चार हो जाएगा, चार दू छः और दो एक हम दो नहीं दो सौ चौंसठ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, कहाँ पे थे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अड़तालीस प्लस सतहत्तर जोड़े तो कितना आ गया, एक सौ पच्चीस और ग्यारह गुना चौबीस किए तो दो सौ चौंसठ माइनस चौदह है ना दोस्तों। इसको दोस्तों क्या लिख सकते, टैन इनवर्स एक सौ पच्चीस अपॉन चार में से चार गया तो जीरो, छः में से एक गया तो पाँच है दो यानी एक सौ पच्चीस बटे दो सौ पचास। तो एक सौ पच्चीस दूनी क्या होता है, दो सौ पचास होता है ना दोस्तों, इसलिए टैन इनवर्स वन बाई टू, ये मेरा क्या आ गया, आर एच एस आ गया ना दोस्तों, यही मेरा आर एच एस था ना, इसलिए यहाँ पे आर एच एस आ गया, प्रूव हो गया मेरा। ओके दोस्तों, समझ रहा है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, फोर नंबर क्वेश्चन भी सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, टू टैन इनवर्स वन बाई टू प्लस टैन इनवर्स वन बाई सेवन बराबर टैन इनवर्स इकतीस बटे में सत्रह, यही सिद्ध करना है दोस्तों। एल एच एस से हम लोग चलेंगे दोस्तों, और आर एच एस क्या करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि टू टैन इनवर्स टू टैन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना, टैन टू टैन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, टू टैन इनवर्स एक्स बटा वन प्लस
टू टाइम इनवर्स का फार्मूला था टू टाइम इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस टाइम टैन वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों टैन वर्स टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे गलती लिखा गया दोस्तों, टू टैन वर्स एक्स टैन वर्स टू एक्स टैन वर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ इसके जगह पर हम रख देंगे टैन इनवर्स टू एक्स के जगह पर कितना लिखेंगे, वन बाई टू लिखेंगे, तो टू गुना वन बाई टू अपॉन वन माइनस एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, वन बाई टू एक्स स्क्वायर है दोस्तों, इसलिए वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे टैन इनवर्स वन बाई सेवन है तो इसको लिख देंगे टैन इनवर्स वन बाई सेवन। इसको फार्मूला है टू टैन इनवर्स एक्स बराबर होता है टैन इनवर्स टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो टैन इनवर्स टू से टू क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वन वाई टू टू जब फोर हो जाएगा तो फोर माइनस वन अपॉन क्या फोर प्लस टैन इनवर्स वन वाई सेवन। टैन इनवर्स कितना आ जाएगा दोस्तों, फोर ऊपर चल जाएगा तो फोर अपॉन फोर माइनस वन गया तो कितना थ्री प्लस टैन इनवर्स वन बाई सेवन। अब टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई के फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, तो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है ना दोस्तों। एक्स के जगह पर चार बटे तीन है, वाई के जगह पर वन बाई सेवन है, तो यहाँ पे पुट कर दिए टेन वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स सात तीन का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो थ्री सेवन ले लेते हैं, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, ऊपर लिखा है सच के अट्ठाईस, सात से सात कैंसिल हो जाएगा, तो तीन एकम तीन अपॉन नीचे भी उसी तरह एल सी एम लेंगे थ्री गुना सेवन, तो थ्री गुना सेवन ऊपर एक गुना हो जाएगा वन से माइनस थ्री गुना सेवन से थ्री गुना सेवन कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा कितना चार, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, टैन इनवर्स थ्री गुना सेवन से थ्री गुना सेवन नीचे से नीचे कैंसिल हो गया, तो अट्ठाईस से तीन कितना हो गया इकतीस अपॉन सत्या इक्कीस में से चार घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, इक्कीस में से चार घटेगा तो दोस्तों कितना बचेगा सत्रह, तो टेन वर्ष इकतीस बटे सत्रह ही हमको सिद्ध करना था आर एच एस प्रूफ, यही हमको दोस्तों सिद्ध करना था। देखिए टैन इनवर्स इकतीस बटे सत्रह ही सिद्ध करना था ना, यही तो मेरा पूर्ण होके आ गया दोस्तों, यहाँ पे आए ना दोस्तों। तो आप लोगों को दोस्तों ये रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप लोग को ये एक से दो बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फाइव नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, तो फाइव नंबर क्वेश्चन है टैन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स, एक्स वाला नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स वाला जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। फाइव नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, टैन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स,
यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है एक्स बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं एक्स बराबर जीरो हम लोग नहीं रह सकते हैं, एक्स बराबर जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को एक्स बराबर ऐसा मान रखना चाहिए कि हम लोग को फार्मूला बन जाए, ठीक है ना। एक्स बराबर हम लोग दोस्तों यहाँ पे टैन थीटा रखते हैं, ठीक है ना। अब एक्स बराबर जब चूँकि एक्स बराबर टैन थीटा तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब बराबर की पर टैन थीटा है तो बराबर की पर आ जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पुट कर देते हैं टैन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स पर टैन थीटा है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस वन अपोन एक्स बना क्या टैन थीटा, तो टैन थीटा यहाँ पे रख दो, ठीक है दोस्तों। टैन इनवर्स रूट वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बटा में टैन थीटा। अब स्क्वायर से हम अगर स्क्वायर से क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा ना दोस्तों, तो टैन इनवर्स क्या आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा, तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस थीटा माइनस वन अपोन टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या आ जाएगा दोस्तों टैन इनवर्स कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा लेंगे एलसीएम तो वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना, अपॉन साइन थीटा बटे कॉस थीटा जगह ना, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे आपको जगह नहीं मेरा दोस्त, यहाँ पे कर दें, यहाँ से कर देते हैं, ठीक है ना, जगह बचा हुआ है तो यहाँ से कर देते हैं। अब आ गया मेरा क्या आ गया दोस्तों, टैन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे टैन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। यहाँ पे भी फार्मूला एक होता है दोस्तों, ठीक है ना, वन माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है ना। टैन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है ना दोस्तों। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, यहाँ पे रख देंगे टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, तो टैन इनवर्स साइन स्क्वायर यहाँ पे दो साइन थीटा बाई टू, टू से टू तो कैंसिल हो जाएगा पहले, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होता है दो, दो यहाँ पे साइन थीटा है तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू, यहाँ पे बचेगा कितना साइन थीटा बाई टू एक बचेगा ना, फिर यहाँ पे दो गो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है तो एक कैंसिल हो गया तो एक बचाओ फिर ना बैठे में कॉस थीटा बाई टू, इसी तरह दोस्तों यहाँ पे टैन इनवर्स साइन थीटा बाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा होता है, तो टैन थीटा के जहाँ पर थीटा बाई टू है इसलिए थीटा बाई टू लिख दें। अब टैन इनवर्स टैन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है, यहाँ पे एक्स के जहाँ पर थीटा बाई टू है इसलिए थीटा बाई टू लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब थीटा को हम लोग क्या माने थे, अब यहाँ पे थीटा को वहाँ पे हम लोग क्या माने थे एक्स बराबर टैन थीटा, तो थीटा बना क्या आ जाएगा, यहाँ पे टैन थीटा है तो बराबर की पट्टी आ जाएगी तो इनवर्स में आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स, तो एक्स तो थीटा के जगह हम लोग क्या रख देंगे टैन इनवर्स
एक्स, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप लोग को हम लोग बगल में कोई फार्मूला लिख दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है ना। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सिक्स नंबर क्वेश्चन, टैन इनवर्स वन बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना दोस्तों। टाइम इनवर्स सिक्स नंबर क्वेश्चन है, टाइम इनवर्स वन बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना। इसको आपको आंसर निकालना, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू ग्रेटर देन कितना वन, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपको पुट करना होगा, ठीक है ना, कि एक सूरा क्या हम रखें कि फार्मूला बन जाए, ठीक है ना। एक सूरा हम लोग दोस्तों एक सूरा कौशक थीटा रख कर देखते हैं, ठीक है ना। थीटा वाला क्या आ जाएगा, कौशक इनवर्स एक सौ जगह बराबर के पट जाता है तो इन्वर्स में आ जाता है। यहाँ पे रख के देखेंगे दोस्तों, टैन इन्वर्स वन अपॉन रूट अंडर एक सौ, यहाँ पर कॉसेक थीटा रखेंगे, कॉसेक यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक्स है ना दोस्तों, तो यहाँ पे एक्स रखेंगे। कुछ भी रखिए, थीटा रखिए चाहे एक से रखिए, ठीक है ना, कैसे तो उसका थीटा माइनस वन। देखिए दोस्तों, टैन इनवर्स वन अपॉन रूट अंडर कौशक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, कौशक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है ना सर, तो कौशक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये दसवां क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के जगह पर कॉट स्क्वायर थीटा। टैन इनवर्स वन अपॉन रूट अंडर कॉट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉट थीटा बचेगा। टैन इनवर्स वन बाई कॉट थीटा वाला क्या होता है, टैन थीटा होता है, तो टैन इनवर्स टैन एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है दोस्तों, थीटा है, तो थीटा लिख देंगे, टैन इनवर्स टैन एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स वाला थीटा है, थीटा लिख दिए, थीटा वाला हम लोग यहाँ पर क्या बताएं, एक्स हमारा कौशिक थीटा, तो थीटा इज कॉल टू क्या, कौशिक इनवर्स एक्स, तो थीटा के जगह पर हम लोग क्या यहाँ रख सकते हैं, कौशिक इनवर्स एक्स, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सिक्स सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए दोस्तों, सेवन नंबर क्वेश्चन कर रहा है, टैन इनवर्स रूट अंडर वन माइनस कॉसेक्स बटा वन प्लस
कॉस एक्स, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों टैन इनवर्स रूट अंडर वन माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। दोस्तों यहाँ पे एक्स लेस देन है पाई के, यानी एक्स जो होना तो एक्स का जो मान आएगा वह पाई से छोटा होगा, ठीक है ना, पाई से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे फार्मूला कुछ लगेगा, ठीक है ना। वन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, और वन प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे फार्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो रूट अंडर वन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर वन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, और वन प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, ठीक है ना। टैन इनवर्स टू से टू कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा दोस्तों रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो टैन इनवर्स साइन एक्स वाई टू और कॉस एक्स वाई टू, टैन इनवर्स साइन एक्स वाई टू बटा कॉस एक्स वाई टू क्या हो जाएगा टैन एक्स वाई टू। तो टैन इनवर्स टैन एक्स इजकल टू क्या बताए थे, एक्स बताए थे, तो एक्स जगह पर क्या है दोस्तों एक्स वाई टू है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सेवन नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। एट नंबर देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, टैन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का मान जो होना चाहिए पाई से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे दोस्तों, एट नंबर क्वेश्चन, टैन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना दोस्तों। टैन इनवर्स यहाँ पे भी आप लोग को दोस्तों ऊपर नीचे कॉस एक्स से भाग देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे दोस्तों ऊपर नीचे नीचे कॉस एक्स से भाग देने पर, ठीक है ना दोस्तों। तो ऊपर नीचे कॉस एक्स से भाग दे देंगे तो टैन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स, कॉस एक्स से भाग दे रहे हैं ऊपर नीचे तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या हो जाएगा टैन एक्स, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। कॉस एक्स बटा कॉस एक्स क्या हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स वाटा कॉस एक्स क्या हो जाएगा टैन एक्स, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स वन को क्या लिख सकते हैं, टैन हमें हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो टैन इनवर्स टैन में किसका मान वन होता है, ठीक है ना, टैन में किसका मान होता है, टैन पैंतालीस का मान होता है वन, तो टैन पैंतालीस का भेजेगा जब पाई वाई फोर करेंगे, टैन पाई वाई फोर एक सौ अस्सी बटे चार करेंगे तो पैंतालीस होगा ना, तो टैन पैंतालीस का मान एक होता है, एक होता है, इसलिए टैन पाई वाई फोर रख दिया माइनस टैन एक्स अपन वन के जगह भी उसी तरह लिख देंगे टैन पाई वाई फोर प्लस टैन एक्स, ठीक है ना दोस्तों। हाँ
कहाँ पे हो दोस्तों? यहाँ पे थोड़ा दोस्तों, यहाँ पे है ना वन, यहाँ पे जस की तस रह लियो, ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला बनाना है ना, तो यहाँ पे वन लिख देंगे। यहाँ पे टैन एक्स है तो यहाँ पे वन लिख सकते हैं, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टैन वन की जगह पर यहाँ पे टैन पाई बाई फोर लिखेंगे, ठीक है ना। आप देखिए दोस्तों, ये फार्मूला बना है टैन टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है टैन ए माइनस बी का फार्मूला होता है टैन ए माइनस टैन बी बटा वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी, ठीक है ना। हम बोलते चले, अगर आपको लिखना है फार्मूला तो लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस इसमें नहीं है इसलिए हम लोग नहीं लिख पा रहे इसे, ठीक है। तो टैन इनवर्स टैन पाई बाई फोर, तो यहाँ एक फार्मूला बना टैन ए माइनस टैन बी, तो टैन ए माइनस बी, तो बी की जगह पर एक्स है तो एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, टैन इनवर्स टैन एक्स, एक्स की जगह पर कितना है पाई बाई फोर माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, मेरा आंसर यही हो जाएगा ना दोस्तों, पाई बाई फोर माइनस एक्स। अगर इसको हम अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फोर एल सी एम लेके पाई माइनस फोर एक्स, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। जो आपको किताब में आंसर मेरा आप कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एट नंबर क्वेश्चन किए ना दोस्तों, हम नाइन नंबर क्वेश्चन किए आते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन कह रहा है टैन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग को एक्स का मान रखना होगा, ठीक है ना। एक्स यहाँ पे रख सकते हैं ए साइन थीटा, तो थीटा बड़ा क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स अपॉन ए इधर आ जाएगा तो एक्स बटे ए, और साइन इधर है तो बटे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो इनवर्स में आ जाएगा, तो साइन इनवर्स आ जाएगा, एक्स बटे ए इक्वल टू साइन इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, सीधा सीधा बोलने में लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए टैन इनवर्स एक्स का मान ए साइन थीटा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, स्क्वायर है तो ए साइन थीटा है तो एक्स जब रखेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो, क्योंकि स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है ना। टैन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर, इसमें दो दो हुआ, ठीक है ना, तो इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है ना। तो टैन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा वाला क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा रख दें, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा, ठीक है, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो टैन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, एस एस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या चीज, टैन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा टैन थीटा,
तो टैन इनवर्स टैन एक्स इक्वल टू क्या एक्स, तो एक्स यहाँ पर थीटा है तो थीटा रख दिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे थीटा और क्या साइन इनवर्स एक्स वाई ये है, तो थीटा के यहाँ पर क्या रख देंगे साइन इनवर्स एक्स वाई ए, ठीक है ना दोस्तों, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, टेंथ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है ना, टेंथ नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, टेन थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब, क्यूब नहीं है दोस्तों स्क्वायर है, थ्री ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्स बराबर ए टेन थीटा रखेंगे। ठीक है, एक्स बराबर ए टेन थीटा, तो थीटा रख क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स वाई है, क्योंकि टेन इधर है तो बराबर के बटे आएगा तो इनवर्स में आएगा, एक्स इधर है ये इधर नीचे आ जाएगा तो एक्स बटे ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे टेन थ्री ए स्क्वायर एक्स यहाँ पर रखेंगे ए टेन थीटा माइनस एक्स पर रखेंगे ए टेन थीटा, तो ए क्यू माइनस टेन क्यू थीटा, क्योंकि क्यू चढ़ा हुआ है इसलिए क्यू लगा। ठीक है, बटे में ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स के जगह पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स यहाँ पे दोस्त, ठीक है ना, छूट गया यहाँ पे टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर, यहाँ पे ए है, यहाँ पे देखिए बेस समान है, ये ए समान है, इसके ऊपर वन है इसके ऊपर टू है, तो क्या हो जाएगा टू ए कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, तो थ्री ए क्यू टेन थीटा माइनस माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा होगा ना दोस्तों, अपॉन ए क्यू माइनस थ्री ए क्यू टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टू है यहाँ पे बेस समान है तो इसके पर वन है, तो घात क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा तो दो एक तीन हो जाएगा, तो थ्री एक क्यू प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना दोस्तों, अब टेन इनवर्स इक्वल टू देखिए दोस्तों यहाँ पे एक क्यू कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, तो थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन, इसमें भी एक क्यू कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे फार्मूला भर गया, ठीक है ना, यहाँ पे टेन थ्री थीटा वाला फार्मूला होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बट वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, टेन थ्री थीटा का ये फार्मूला होता है, ठीक है, टेन थ्री थीटा ये टोटल होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बट वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स इसके पूरे के जगह पर क्या रखेंगे टेन थ्री थीटा रखेंगे, तो टेन थ्री थीटा, तो टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स के जगह पर थ्री थीटा तो थ्री थीटा रख देंगे। ठीक है, अब थीटा के जगह पर देखिए क्या होगा एक्स वाला क्या माना है, एक्स वाला ए टेन थीटा, तो थीटा वाला टेन इनवर्स एक्स वाई ए,
यहाँ पे 3 tan inverse x by a क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, 10th नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों, और 11th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। टैन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। टैन इनवर्स 2 cos sin इनवर्स 1/2। ठीक है ना दोस्तों, इसका मान निकालना। ठीक है, टैन इनवर्स 2 cos sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2 यहाँ पर। ठीक है ना, 2 sin इनवर्स 1/2 यहाँ पे, ये जो है 2 sin इनवर्स 1/2 है। ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं मिला इसलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप 11th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में एक बताए थे फार्मूला 2 sin inverse x/y क्या होता है। sin inverse 2x/1 - x² होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए जगह पर लिख सकते हैं tan inverse 2 cos sin inverse 1/2 की जगह पर फार्मूला क्या होता है, 2 sin inverse x के ऊपर 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, तो 2 sin inverse 1/2 / 1 - x², तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, टू साइन वर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन वर्स होता है दोस्तों। ठीक है, 2 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो साइन वर्स 1/2 होता है। ठीक, 2 cos जो होता है, 2 sin inverse जो होता है, साइन वर्स 1/2 / 1 - x² होता है, तो टैन इनवर्स 2 cos साइन इनवर्स 1/2 / 2 × 4 हो जाएगा, तो 4 - 1/4। ठीक है ना दोस्तों, टैन इनवर्स 2 cos थीटा नहीं यहाँ पे है, cos है, साइन इनवर्स 1/2 × 4 ऊपर चल जाएगा, बट्टे में 4 में से ही जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो 2 × 4 यानी 2/3 हो जाएगा, तो टैन इनवर्स 2 cos अब देखिए दोस्तों, इसको पूरा मानना है थीटा। ठीक है ना, साइन इनवर्स कितना हो गया है, साइन इनवर्स 2/3 मान लेते हैं थीटा, तो इसके जगह पर रख देते हैं थीटा। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स 2/3 थीटा हो गया, तो थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 थीटा आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स है 3/3 आ जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 2/3। साइन थीटा लंबा टक कर्ण होता है, तो आधार कितना आ जाएगा, रूट कर्ण के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 माइनस आधार के स्क्वायर 4, 2 × 4 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है, 9 में से 4 जाएगा क्या बताए 5, तो आधार कितना हो गया 5 हो गया, तो टैन इनवर्स 2 cos थीटा में क्या होता है, आधार बटक कर्ण, तो आधार क्या है यहाँ पे, √5 है, तो √5 / आधार बटक कर्ण, कर्ण क्या है 3 है, तो √5/3। ठीक है, tan इनवर्स 2√5/3। ठीक है ना दोस्तों,
एक गलती होगी कुछ दोस्तों, क्या गलती हुआ देखिए तो यहाँ पे दोस्तों साइन वर्स 3/4 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 2 साइन वर्स थीटा जो होता है फार्मूला यहाँ पे गड़बड़ आ गया है ना, 2 साइन वर्स एक्स जो होता है साइन वर्स 2x 2 tan 2 sin होता है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा ना, तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो 4y क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। साइन वर्स 4y 3 इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 4y 3, तो क्या हो जाएगा, आधार मेरा आ जाएगा कर्ण के स्क्वायर। एक गलती हो गया था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, टैन इनवर्स 2 cos 2 sin inverse 1/2, ठीक है। तो टैन इनवर्स 2 cos 2 sin inverse 1/2 का फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना। साइन इनवर्स 2x/1 - x² साइन इनवर्स 2x 2 × 1/2 साइन 2 sin inverse 2x/1 - x² टैन इनवर्स 2 cos 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा दोस्तों साइन इनवर्स होगा यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो फार्मूला होता है 2 sin inverse 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 - x², ठीक है ना। तो 2 cos 1/4 - 1/4 डायरेक्ट कर देना दोस्तों, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 जैसे हम लेंगे 4 - 1/4, तो टैन इनवर्स 2 cos sin inverse क्या आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा 4 तो 4/3। यहाँ पे आप साइन इनवर्स 4/3 को टोटल मान लेंगे हम लोग थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 4/3 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3। साइन थीटा वाला होता है लंब बटा कर्ण, तो आधार क्या आ जाएगा, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे 4/3 नहीं होगा दोस्तों, 3/4 होगा, ठीक है। 4 - 1 = 3/4 तब आधार यहाँ पे निकलेगा, तो क्या होगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9, तो बी जो हो जाएगा रूट 16 में से 9 जाके बचेगा 7, तो आधार निकल के आ गया 7। तो टाइम इनवर्स 2 cos इसकी जगह पूरा मान है थीटा, तो थीटा यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे थीटा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे पूरा हटा के थीटा आएगा, ठीक है। तो टैन इनवर्स 2 cos θ 2 × cos θ वाला आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ पे √7 है, तो √7 / कर्ण है 4, तो 4 लिख दें, तो 2 × 4 tan इनवर्स
रूट सात बटे में दो, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स टैन पाई बाई फोर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कोई गलत हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना, इसको एक तरीका से और देखते हैं, ठीक है, कि रॉन्ग हो गया है, गलत सही नहीं हो रहा, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ठीक है ना, इसको अगले देखते हैं और ट्राई करके, ठीक है। टैन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाई टू, ठीक है ना, ये दोस्तों देखिए तो दोस्तों टैन इनवर्स टू कॉस इसको टू साइन इनवर्स दोस्तों, तो इसको हमको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन में किसका मान वन बाई टू होता है, तीस का मान होता है, तो तीस कब आएगा जब पाई बाई सिक्स से डिवाइड करेंगे, चौथी अठारह तीस आ जाएगा ना, तो साइन तीस का मान वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो टैन इनवर्स टू कॉस क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इजकल टू एक्स होता है, तो एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बाई सिक्स, तो टू गुना साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स यहाँ पर पाई बाई सिक्स है, तो पाई बाई सिक्स लिख देंगे, टू थ्री या सिक्स, तो यहाँ पे पाई बाई थ्री हो गया, तो टैन इनवर्स टू कॉस पाई बाई थ्री हो गया ना दोस्तों। तो देखिए कि कॉस में पाई बाई थ्री किसका मान होता है, टैन इनवर्स टू कॉस पाई बाई थ्री का मतलब एक सौ अस्सी बटे में तीन, तो तीन छः के अठारह यानी कॉस साठ डिग्री का मान कितना होगा, वन बाई टू होगा दोस्तों, तो टू से टू कैंसिल हो गया, हुआ ना दोस्तों, तो क्या हो गया टैन इनवर्स वन हो गया, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टैन इनवर्स टैन टैन में किसका मान वन होता है, पैंतालीस का मान, तो पैंतालीस कब आएगा पाई बाई फोर से आएगा, तो टैन इनवर्स टैन पाई बाई फोर, तो टैन इनवर्स टैन एक्स इजकल टू होता है क्या एक्स, एक्स की जगह पर क्या है पाई बाई फोर है, इसलिए पाई बाई फोर क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। देख लीजिएगा दोस्तों इसका आंसर किताब में कितना दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये बनाया हुआ है जो सही बनेगा, ठीक है, समझ में आया ना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, और अगला क्वेश्चन हम लोग ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।